तो ये गाइज वेलकम बैक टू टुडे इस वीडियो। गाइज आज के वीडियो में है क्यू एन ए सेशन। तो जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने पोस्ट डाली थी उसके ऊपर एंड एक और पोल भी लिया था मैंने उसके ऊपर भी जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने स्क्रीनशॉट करके इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए। गलती से अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आई एम रियली सॉरी यार, जानबूझ के मैंने मिस नहीं करा है। ऑल्सो यार अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड कमेंट सबके सब कर दो। चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप डोनेट भी कर सकते हो, सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हो या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी आपके स्क्रीन पे भी है एंड यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। निंटेंडो स्विच के कॉन्सोल्स या गेम्स खरीदना चाहते हो और डिजिटल अकाउंट्स खरीदना चाहते हो तो www.nistore.in एंड निंटेंडो इंडिया स्टोर इंस्टाग्राम पेज है जो उनका, इन दोनों को चेकआउट कर लेना, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल। तो आप फाइनली स्टार्ट करते हैं क्यू एन ए सेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेस रिवील को। फेस रिवील ना करने के मेरे पास एक्चुअली काफी सारी रीजंस हैं। उनमें से एक ये है कि मेरे को तैयार होके अच्छे से सच संवर के नहीं बैठना यार वीडियो बनाने के लिए। मेरा जब मूड करता है एटलीस्ट मैं, अभी मेरे पास फ्रीडम है कि मैं तब बनाने बैठ जाता हूँ एंड उस चक्कर में मुझसे बन भी जाती है। अगर मैंने एक और स्टेप ऐड कर दिया कि पहले अगर मुझे शक्ल दिखानी है तो मतलब अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा, वो मुझे ना बहुत बड़ा हैसल लगता है, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। दूसरी चीज़, फेस रिवील मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ यार, मेरी 4000 की ऑडियंस है, ठीक है? तो मैं भी चाहता हूँ कि जब थोड़ी ऑडियंस बड़ी हो जाए उसके बाद ही फेस रिवील किया जाए। तीसरा रीज़न है यार कि अभी जब भी कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है तो वो करता है कंटेंट के लिए, या तो उन्हें एंटरटेनमेंट लगता है मेरी वीडियोज़ में या फिर इन्फॉर्मेशनल लगती है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कंटेंट को देख के ही सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट शक्ल इतनी खास है नहीं कि आप शक्ल देख के वैसे भी सब्सक्राइब करने वाले हो। तो यही ऑनेस्ट रीज़न है यार कि क्यों मैं अभी फिलहाल ना फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं यार क्वेश्चंस पे एंड नाग लक्ष्मी बंदा रूपाली 2033 का क्वेश्चन है, हाउ टू मेक पेरेंट्स अग्री टू बाय मी अ कॉन्सोल और पीसी, इज यूट्यूब योर फुल टाइम? तो यार माँ बाप के सामने तो देखो किसकी चलती है, नहीं दिलाना हो तो नहीं दिलाएंगे, पैसे तो उन्हीं के लग रहे हैं। अगर देखो फाइनेंशियल रीज़न की वजह से नहीं दिला रहे हैं तो आई विल से कि थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओ एंड फोर्स मत करना अपने माँ बाप को कि यार ज़बरदस्ती उनके पैसे खर्चवा रहे हो। स्पेशली कभी कभी फाइनेंशियल क्रंच होते हैं यार घर पे, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो मेरी तरह, तो आई विल से कि देखो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप लोग खरीद सकते हो, हर साल ही गाड़ी बदल रहे हो तो कंसोल दिला ही देंगे आपके माँ बाप। अदरवाइज यार आई विल से कि प्रेशराइज मत करो, स्टडीज़ वगैरह पे फोकस करो, अगर वो वैसे हैप्पी होंगे आपकी स्टडी परफॉर्मेंस से तो वैसे भी दिला ही देंगे, और अगर नहीं दिलाना हो तो आप जो मर्जी कर लो नहीं दिलाएंगे वो। यूट्यूब इज़ नॉट माई फुल टाइम जॉब यार, 400-300 व्यूज़ आते हैं मेरे को एवरेज एक वीडियो पे। यूट्यूब अगर अभी फुल टाइम करने लगा तो मेरा भी यही हाल हो जाएगा, कंसोल छोड़ो खाने के पैसे नहीं रहेंगे मेरे पास। मैक्स गेमर का क्वेश्चन है, भाई अगला निंटेंडो गिव अवे कब होगा? आई लाइक योर वीडियोज़, दे गिव अस अ लॉट ऑफ नॉलेज, थैंक्स अ लॉट ब्रो फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यार मैंने वैसे ना साल के स्टार्टिंग में सोचा था हर महीने गिव अवे करूँगा, लेकिन फिर वही मैं जो कह रहा था ना, बजट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो खर्चे हो गए बहुत सारे एंड उस वजह से ना निंटेंडो गिव अवे हो नहीं पा रहे। लेकिन आई प्रॉमिस अगस्त में मेरे बर्थडे वाले दिन डेफिनेटली एक अच्छा गिव अवे करूँगा। आई ट्राई कि ऐसा मतलब अच्छा गिव अवे हो, मुश्किल बनाऊंगा उस गिव अवे को जीतना, बट गिव अवे का प्राइस बहुत अच्छा होगा। एसके बोस 3038 का क्वेश्चन तो नहीं है, स्टेटमेंट ही आ रही है, हेलो आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई लाइक योर वीडियोस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यार मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब इंडिया में तो लोग देखते हैं तब तो खुशी होती है, लेकिन कोई बाहर कंट्री का इंसान भी मेरी वीडियोज़ देख रहा है मुझे उससे भी बहुत खुशी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आकाश 3507 का, आई वॉन्ट टू बाई एन OLED Nintendo Switch फ्रॉम Nintendo इंडिया स्टोर बट आई एम स्कैर्ड इफ इट्स अ स्कैम, शुड आई बाई इट, वट गेम शुड आई बाई फर्स्ट, आई लाइक एडवेंचर गेम्स। तो यार एक चीज़ तो मैं क्लियर ही कर दूँ, Nintendo इंडिया स्टोर ऑब्वियसली स्कैम नहीं है यार, तभी मैं इतना ज़्यादा प्रमोट करता हूँ उनको। दे हैव फुलफिल्ड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स टिल नाउ, बहुत सारे लोगों का पहले ज़िंदगी का कॉन्सोल उन्होंने डिलीवर करे हैं, बहुत सारे लोगों का पहला Nintendo कॉन्सोल उन्होंने डिलीवर किया है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन कॉन्सोल कहीं और से खरीदते हैं, किसी और वेबसाइट से खरीदते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, लेकिन गेम्स निंटेंडो इंडिया स्टोर से ही खरीदते हैं। काफ़ी लोग जिनके पास बिल्कुल ही बजट नहीं होता है वो डिजिटल अकाउंट्स खरीद लेते हैं, जिनको ऑनलाइन के उनके कार्ड्स नहीं चलते हैं ई शॉप पे वो ई शॉप गिफ्ट कार्ड्स खरीदते हैं निंटेंडो इंडिया स्टोर से। उनकी वेबसाइट आई नो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट नहीं है, उसमें पेमेंट गेटवे नहीं है, EMI नहीं है, बट स्कैम तो डेफिनेटली नहीं है। ऑल्सो दे हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल यार, मतलब काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं निंटेंडो को रिलेटेड, है ना, प्रॉब्लम फंस जाती है, ड्रिफ्ट इशू हो जाता है या कुछ भी इशू होता है, रीजन का इतना इशू आता है, तो वो सब भी सॉल्व करते हैं वो, इवन उनका जो कस्टमर नहीं है उनके। तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो OLED, ऑल्दो ये 3 वीक पुराना क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है अब तक अगर खरीदना होगा तो आप खरीद ही चुके हो। अगला क्वेश्चन है सुनेब गावड़े 4413 का, इज इट पॉसिबल फॉर निंटेंडो इंडिया स्टोर टू प्रोवाइड DLC ऑनलाइन अकाउंट्स सो पीपल हैविंग फिजिकल कॉपीज कैन ऑल्सो इन्जॉय DLCs एट चीपर रेट्स? आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मुझे नहीं लगता वो काम करेगा वैसे, मुझे लगता है प्राइमरी वालों का फिर भी हो सकता है काम कर जाए, लेकिन ऑफलाइन अकाउंट्स में आई डोंट नॉट थिंक दिस विल वर्क, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है या फिर वाइड स्केल पर करा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है नारुतो उज़ुमाकी एनएल 9GB का, कैन यू टेल व्हाट्स द बेस्ट एक्सेसरीज फॉर निंटेंडो स्विच एंड इफ पॉसिबल मेक अ वीडियो इन द इन बेस्ट कार्ड केस कार्ट्रिज फॉर निंटेंडो स्विच। बेस्ट कार्ड कार्ट्रिजेस मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने निंटेंडो इंडिया स्टोर पे देखे, आपको लगे हमें प्रमोशन कर रहा हूँ उनका, लेकिन नहीं, उनके पास ना बहुत यूनिक डिज़ाइन वाले हैं। तो जैसे जेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम का एक निंटेंडो स्विच कार्ट्रिज है, एक पोकेमॉन स्कारलेट एंड वॉयलेट का ब्लैक कलर का बड़ा कूल सा है, स्नोरलैक्स का है, पोकीडेक्स बना है एक कार्ट्रिज पे, वो वाले पर्सनली मुझे बहुत सही लगते हैं। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो एक होरी का आता है, बट वो बहुत प्लेन एंड सिंपल है, वो फंक्शनल है लेकिन बहुत प्लेन एंड सिंपल है, तो मैं कहूँगा वैसे फंकी वाले लो, वो ना कलेक्शन में भी अच्छे लगते हैं। तो एक बार निंटेंडो इंडिया स्टोर को मैसेज करो, बट आई स्वेयर ये ना अनइंटेंशनल प्रमोशन थी उनकी। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त तन्मय का, हैव यू इंटीग्रेटेड गूगल एनालिटिक्स G4 एंड टैग मैनेजर ऑन योर WooCommerce साइट येट? इफ नॉट येट जस्ट मेक अ मैनेजर अकाउंट फॉर मी, आई विल गेट यू अप एंड रनिंग इन अ वीक्स टाइम। तो ये मुझे लगता है कॉल पे जाना पड़ेगा आपके साथ ये सब समझने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी समझ है नहीं इसकी। पेमेंट गेटवे ऐड नहीं हो पा रहा है, हमसे 2 महीने हो गए, पता है हमें EMI ऐड करनी है, वो ऐड नहीं हो रही है 2 महीने से, तब से पीछे पड़े हैं, रेजर पे पेटीएम कहीं से ऐड नहीं हो पा रहा है यार, तो बहुत ही दिक्कत चल रही है। अगर आप में से किसी को भी पता है पेमेंट गेटवे सिंपली कैसे ऐड कर सकते हैं हम, तो प्लीज़ रीच आउट करो। निंटेंडो इंडिया स्टोर को भी रीच आउट कर सकते हो, द गेमिंग एडवोकेट जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप वाला नंबर भी ले सकते हो NI स्टोर का। प्लीज़ रीच आउट करो एंड इफ़ यू कैन रियली हेल्प देन प्लीज़ डू हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तन्मय का ही है, हाउ इज़ द PS5 ट्रीटिंग यू, थॉट्स अबाउट साइबरपंक 2077 DLC, विल यू बी प्लेइंग इट, स्पॉयलर्स इड्रिस एल्बा एंड कियानू रीव्स आर हॉट। यार PS5 इज ट्रीटिंग मी वेरी वेल, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी गेमिंग करने का ना बहुत ऐसे सिवियरली टाइम नहीं मिल पा रहा है, विच इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मेरे पास टाइम होता है तो मेंटल पीस नहीं हो पा रही है मेरे पास कि मैं ऐसे बैठूं और घंटों तक सिर्फ गेमिंग करूं। ऑल्सो मुझे लगता है थोड़ा सा ना यूट्यूब चैनल का भी उसमें दोष है, अब मेरा दिमाग ना बहुत कंटेंट ओरिएंटेड भी हो गया है, तो उससे क्या होता है ना जब आप कंटेंट के बारे में सोचते हो तो आप जो चीज़ इन्जॉय करते हो ना उसको फ्रीली इन्जॉय नहीं कर पाते हो। तो साइबरपंक DLC यार मेरा मन है कि अब मैं उसको फाइनली खरीद लूँ पूरी की पूरी गेम को ही, और प्ले स्टेशन पर ही खरीदूँ, उस पर एक्सबॉक्स पर ना खरीदूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर वर्जन है, एंड सिंस पैसे उतने ही लगने हैं तो वाई गेट अ यू नो लेसर एक्सपीरियंस फ्रॉम इट। मैंने एक्सबॉक्स पर थोड़ी देर के लिए ट्राई करी थी साइबरपंक, मुझे उस टाइम तो पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ दोबारा बैठ के खेलने की, सिंस उसके काफ़ी सारे पैचेज एंड काफ़ी सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं, तो लेट्स सी अब कैसा एक्सपीरियंस होता है, मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट करके वीडियो भी बना लूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमियोक्स गेमिंग का, ब्रो व्हाट्स योर थॉट ऑन डेज गॉन एंड रेजिडेंट ईविल सीरीज गेम? रेजिडेंट ईविल इतनी ज़्यादा मैंने खेली नहीं है तो उसके बारे में मेरा कोई खास ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मेरे पास मतलब कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन डेज गॉन के बारे में कहूँगा अगर आपके पास PlayStation 4, 5 या फिर PC है तो डेफिनेटली ट्राई करो डेज गॉन को, बहुत अमेजिंग गेम है। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी इस गेम से, लेकिन बहुत ही अमेजिंग जॉम्बी सर्वाइवल गेम है। इस गेम का अनफॉर्चुनेटली सीक्वल कैंसिल हो चुका है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग बमर, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी एंड मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि यार इसका सीक्वल भी आएगा तो और भी ऑसम होगा, बट डेफिनेटली ट्राई करना है इसको एंड लेट्स होप कि यार ये थोड़े टाइम बाद वही सीक्वल लॉन्च कर दे डेज गॉन का। आदित्य सचित पाई 7138 का क्वेश्चन है, सॉरी यार अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर लिया मैंने, हाउ डिड यू सेव अप मनी टू बाय ऑल 3 कॉन्सोल्स? टू सेव अप मनी टू बाय कॉन्सोल्स या फिर कोई और भी चीज़, कुछ नहीं यार, अपनी लिमिट के हिसाब से सेव करना स्टार्ट करो एंड जब वो गोल फुलफिल हो जाए उस चीज़ को जाके खरीद लो, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। मैंने पर्सनली कैसे किया है, जॉब से पैसे बचाए ऑफकोर्स एंड बस उसी से किया है जो पैसा इन्वेस्ट किया है RDFDO में या फिर लिक्विड में कैश में पड़ा था उससे खरीदी है। बस एक चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली कह दूँगा, आप जितने भी छोटे बच्चे हो कॉलेज एंड स्कूल में, कॉन्सोल्स खरीदने के लिए तो पैसे लगते हैं, लेकिन याद रखना कॉन्सोल को खरीदने के बाद उनकी गेम्स पे भी बहुत पैसा लगता है, ठीक है? दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्सोल अपने आप में एक प्लास्टिक का डब्बा ही होता है, उससे कोई हैप्पीनेस नहीं आती है, हैप्पीनेस आती है गेम से। तो अगर कोई भी कॉन्सोल खरीदने लगोगे ना, मेक श्योर कि आप उस कॉन्सोल की गेम्स ईजिली अफोर्ड कर पाओ, ओनली देन दैट कॉन्सोल इज़ वर्थ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जपेश का, कमल भनोट 8500 के अकाउंट से, हाई आई एम जपेश, आई एम बैक अगेन, आई वॉन्ट टू आस्क दैट विच कॉन्सोल शुड आई बाय? फिर से भाई साहब यही क्वेश्चन पूछ रहे, भाई तो कुछ भी खरीद ले यार इस पॉइंट पे, तो तू टीवी पे भाई कैसेट वाली गेम खरीद ले यार, तेरा हर बार यही सवाल होता है मैं क्या खरीदूँ, खरीद तो रहा नहीं है ना, तुम मुझे बताते हो बजट क्या है तुम्हारा, गेम्स कैसी पसंद है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम्हें कौन सा कॉन्सोल खरीदना चाहिए? तो ये कह रहे हैं समटाइम्स आई थिंक टू बाय निंटेंडो बट व्हेन आई सी कॉस्ट ऑफ गेम्स आई कांट अफोर्ड, नाउ आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2 consoles Xbox सीरीज एस एंड PlayStation 5, प्लीज टेल मी विच वन शुड आई बाय? वेल कॉन्ग्रेट्स फॉर 9K व्यूज एंड 4K सब, 9K व्यूज नहीं हो 9 लाख व्यूज हैं, ऐसे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो यार, बट थैंक्स अ लॉट ब्रो, मीन्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट यू वॉचिंग माई वीडियोज़।
प्लीज टेक माई क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन, वेन विल यू डू फेस रिवील? फेस रिवील तो हमने कवर कर लिया, जपेश खरीद लो कुछ तुम, ठीक है, शांति से, या नेक्स्ट कमेंट में मेरे को बता दो बजट क्या है तुम्हारा, मेरे को पैसे ट्रांसफर करो, मैं खरीद देता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे। फैंटेसी साइंस 4664 का क्वेश्चन है, डू यू रेकमेंड द स्टीम डेक इन इंडिया? इज गेटिंग अ प्री ओन्ड वन बेटर देन बाइंग अ न्यू वन इन इंडिया? या स्टीम डेक या निंटेंडो स्विच कॉन्सोल, कोई भी कॉन्सोल मैं तो रेकमेंड करता हूँ, कॉन्सोल नया खरीदो, गेम्स प्री ओन्ड खरीदो, स्टीम डेक पे ये ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ये स्टीम डेक ऑल डिजिटल कॉन्सोल है, तो देखो अगर प्री ओन्ड मिल जाता है अच्छा सा तो। और फैंटेसी साइंस तुम्हारा भी भाई, तुम भी पूछ ही रहे हो तब से कि क्या खरीदूँ क्या खरीदूँ, तुम भी जाके खरीदो कुछ, सिर्फ हर बार पूछते ही रहते हो। और स्टीम डेक इन इंडिया मतलब स्टार्ट होता है 40-45 के बीच में स्टार्ट है यार, तो बहुत एक्सपेंसिव कॉन्सोल है, तो जब भी खरीदो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो देख लो, ध्यान से ही खरीदना, एंड प्री ओन्ड खरीद सकते हो अगर अच्छे प्राइस पे तो खरीद। विकास शर्मा का क्वेश्चन है, शुड आई गेट PS4 नाउ इन 2023 एज आई ऑलरेडी हैव 2060 PC? मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ लास्ट जन की कॉन्सोल्स खरीदना, स्पेशली जब उनका नेक्स्ट न्यूअर बेटर वर्जन आ चुका होता है, एंड क्योंकि PlayStation 5 मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत बेटर एक्सपीरियंस है, तो अगर कर पाओ तो PlayStation 5 खरीद लो, लेकिन अगर आपको सिर्फ वो एक्सक्लूसिव गेम्स एक्सपीरियंस करनी है और बजट थोड़ा टाइट है तो हाँ PS4 भी खरीद सकते हो, मतलब टोटली अप टू यू। आदित्य मुद्गल का क्वेश्चन है, वाई यू नॉट पोस्ट PC गेम प्ले? लव यू ब्रो, आई लव यू टू ब्रो। यार PC गेम प्ले ना पोस्ट करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं यार, मतलब मैं ट्राई करता रहता हूँ नया कंटेंट बनाने की, बट मतलब वही यार, कोई रीज़न नहीं यार, मेरे को अब तक कोई वीडियो आइडिया नहीं आया इस बारे में, सजेस्ट कर दो मैं बना दूंगा। Inferno2230 का क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट अ मिड रेंज 8-10,000 मॉनिटर फॉर एक्सबॉक्स सीरीज एस? आपके लिए यार मैंने ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ मॉनिटर्स के लिंक दिए है, 24 इंच से ऊपर देखो 10,000 के बजट में तो नहीं आने वाला है, एंड 60 FPS ही एक्सपेक्ट करो, 144Hz का कोई मॉनिटर नहीं आएगा 10,000 में, अगर बाई चांस मिल गया तो वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, आपके लिए मैंने कुछ मॉनिटर सेलेक्ट करके डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क ड्रैगन गेमिंग का, इनके हैं 5 क्वेश्चन, शुड वी बाय एमुलेशन डिवाइस लाइक रेट्रो पॉकेट 3 इन इंडिया? अगर आपका मन है रेट्रो गेम्स पसंद है तो खरीदो यार, अगर बजट में है तो, मैं नहीं खेलता हूं तो मैं खरीदता भी नहीं हूं वो। इफ द स्विच एमुलेशन इज पॉसिबल ऑन मोबाइल इज इट वर्थ बाइंग इट? मिल जाती है और आपको लगता है कि आपको निंटेंडो स्विच नहीं खरीदना चाहिए और एक महंगा मोबाइल खरीदना चाहिए ताकि आप निंटेंडो स्विच की गेम्स को एमुलेट कर पाओ, तो निंटेंडो स्विच ही खरीद लो ना, आप मोबाइल पे क्यों करनी है आपको। PS6 के आने के बाद आपके हिसाब से PS5 का क्या प्राइस कितना होगा? यार 30s में आ जाएगा, मे बी 30-40 के बीच में, आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर गेम्स अंडर 60K बजट? लैपटॉप की मेरे को कुछ खास नॉलेज नहीं है यार कि 60K में अभी करंटली कौन से चल रहे हैं, एंड मैंने जब खुद भी खरीदा था तो मैंने एक्चुअली ऑडियंस से ही पूछा था कौन से खरीदना चाहिए, उनके सजेशन में से एक खरीदा था मैंने। व्हाट गेम्स यू विश रन बेटर ऑन द स्विच? मतलब बहुत सारी हैं ऐसी, तो काफ़ी सारी हैं जो विच आई विश रन बेटर ऑन स्विच, बट ओवरऑल आई रियली विश कि एक स्टेबल 720 रेजोल्यूशन पे 60 FPS गेमिंग करवा देता निंटेंडो स्विच, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है, वो आई एम अज्यूमिंग कि जो नेक्स्ट निंटेंडो स्विच होने वाले ना उस पे हो जाएगा, बिकॉज जहाँ तक रूमर्स हैं वो रूमर्स हैं कि निंटेंडो स्विच का जो हार्डवेयर है अब होने वाला है PS4 प्रो जितना पावरफुल, सो आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी सारी गेम्स उसमें अच्छे से चल जाए, बस आई होप कि बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल गेमिंग वॉरियर का, हाय हिमांशु ब्रो, आई होप यू आर फाइन, सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलीज डेट ऑफ GTA 6 एंड वुड इट बी प्लेबल ऑन एक्सबॉक्स सीरीज एस? थैंक्स। GTA 6 की रिलीज डेट यार आई एम अज्यूमिंग, मेरा खुद का गेस है कि 2025 में आएगी, एंड एक्सबॉक्स सीरीज एस तब तक तो रहेगा मार्केट में, तो आई एम होपिंग कि प्लेबल हो, क्योंकि तब तक बहुत सारे एक्सबॉक्स सीरीज एस बिक चुके होंगे, तो स्टूपिडिटी होगी GTA 6 को एक्सबॉक्स सीरीज एस पे ना डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो गेमर इज हियर का, व्हाई निंटेंडो स्विच एंड देयर अदर कॉन्सोल्स डोंट हैव अचीवमेंट्स एंड ट्रॉफीज इन वीडियो गेम्स लाइक प्लेस्टेशन एंड एक्सबॉक्स डज? इसका जवाब मुझे नहीं पता यार, क्यों नहीं डालते, आई एम नॉट रियली श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरीला वाइपर का, और इनका क्वेश्चन है कि क्या निंटेंडो इंडिया में कभी आएगा, उनकी गेम्स कभी PC पे आएंगी या इनको पायरेट करके खेलनी पड़ेगी? मुझे नहीं पता यार, बट जब आएगी तो लग ही जाएगा पता, काफ़ी खर्चा करेंगे मार्केटिंग पे, तो आपको और मेरे को साथ में पता लगेगा, निंटेंडो मेरे को अलग से आके नहीं बताता कि हम आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयस KP का, ब्रो माई फ्रेंड ऑफर्ड मी 10K फॉर हिज V1 रेयरली यूज स्विच इन गुड कंडीशन, शैल आई बाय इट? कर लो यार, 10,000 में तो क्या ही बुरा है, मतलब अगर अच्छी कंडीशन में फिर तो वाई नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकिल NGM का, ब्रो क्या निंटेंडो स्विच लाइट को मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके उसको सेटअप या गेम डाउनलोड कर सकते हैं? प्लीज़ आंसर मी, लव यू, बाय। लव यू टू ब्रो, यस बिल्कुल कर सकते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट भी बेसिकली वाईफाई क्रिएट करता है, तो आप उससे भी बहुत ईजिली कर सकते हो। इकराम गेमिंग 3283 का क्वेश्चन है, शुड आई बाय निंटेंडो स्विच OLED और वेट फॉर न्यू निंटेंडो स्विच?
अगर भगवान ने बहुत ही पेशेंस दिया तो कर लो वेट यार, भगवान ने बहुत ही पैसे दिए हैं तो खरीद लो OLED, सिंपल यार, इतना मत सोचो। तो गाइज यार एक काम करते हैं, जो आपके बाकी क्वेश्चन है वो मैं आंसर करता हूँ पार्ट टू में, पार्ट वन के लिए रखते हैं क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। डोंट वरी, अगर आपके क्वेश्चन इस वाले पार्ट में नहीं आए, सेकंड वाले में डेफिनेटली होंगे। तो यार इस वीडियो के लिए गाइज रखते हैं इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।